हेलो दोस्तों मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले छः महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही रखा है तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड ये जो इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया और इस इंडेक्स के अनुसार जो फिनलैंड है ये लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है अपने देश भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत जो है ये इस इंडेक्स में एक स्थान पर है अब हम टॉप तीन देश की बात कर लेते हैं तो फिनलैंड जो है इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे नंबर पर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य गठबंधन नाटो का इकतीसवा सदस्य देश कौन सा बना नाटो दोस्तों इससे पहले इसके तीस सदस्य देश थे इकतीसवा सदस्य देश हाल ही में बना है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड जो फिनलैंड है ये नाटो का इकतीसवा सदस्य देश, देश बन गया है बात हुई है यहां पर नाटो की तो इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसको उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है इसकी जो स्थापना है चार अप्रैल उन्नीस को हुई थी मुख्यालय बेल्जियम के के ब्रुसेल्स में है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में दोस्तों जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है इसको मंजूरी दी है बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये जो पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर की भूमिका ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और इसी के साथ में रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड विलेनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों फोर्ब्स ने अभी हाल ही में एनुअल वर्ल्ड विलेनियर लिस्ट 2023 जारी की और इसके अनुसार एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सभी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे तो फोर्ब्ज ने चार अप्रैल दो को एनुअल वर्ल्ड विलेनियर लिस्ट दो जारी की और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भारतीय उद्योगपति मुकेश अम्बानी जो है ये अमीरों लिस्ट में एशिया में प्रथम स्थान पर और दुनिया में नौवे स्थान पर रहे हैं इस लिस्ट के अनुसार टॉप अमीर व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर वर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं तीसरे नंबर पर जेफ वेजोस हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अम्बानी ये नौवें स्थान पर रहे हैं और गौतम अडानी जो है इनका चौबीसवा स्थान रहा है दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उसी प्रकार से अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या पिछले दो सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है पहली वाली ई बुक जो है ये वार्षिकी करंट अफेयर्स की है इसमें आपके लिए जनवरी दो से अब तक का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है और दूसरी जो ई बुक है ये द्विवार्षिकी करंट अफेयर्स की है इसमें आपके लिए पिछले दो सालों का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है दोनों ई बुक जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी और अगर आपको ई e बुक को परचेस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दो में भारत की रैंकिंग क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें भारत की रैंकिंग रही है बयालीसवीं ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ये जो सूचकांक है इसमें पचपन देशों में भारत जो है ये बयालीसवें स्थान पर रहा है अगर बात करते हैं 2022 की तो 2022 में जो भारत है ये तैतालीसवें स्थान पर था इस वर्ष संस्करण कौन सा है दसवां है और ये जो इंडेक्स है ये यूएस एस ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है इस सूचकांक में टॉप तीन देश कौन से हैं तो पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यू है दूसरे नंबर पर यू है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए

आयोजन कहां पर हुआ मुंबई में हुआ और इसमें कितनी टीमें शामिल थीं? तो पांच टीमें शामिल थीं। ऑरेंज कैप किसे दिया गया मैग लैनिंग को पर्पल कैप जो है ये हेली मैथ्यूज को दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये भी हेली मैथ्यूज ने ही जीता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता इकहत्तरवी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की है लेकिन इसका आयोजन जनवरी 2023 में किया गया और ये जो खिताब है ये जीता है यूएसए की आरबोनी ग्रेबियल ने सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेमिना मिस इंडिया दो का खिताब किसने जीता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदिनी गुप्ता जो नंदिनी गुप्ता है ये 19 वर्षीय हैं और राजस्थान के कोटा से ये बिलोंग करती हैं मिस इंडिया 2023 जो है इसमें देश भर की कुल 30 सुंदरियों ने भाग लिया था जिसमें प्रथम स्थान जो है ये राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने हासिल किया है अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं मिसिज इंडिया दो की मिस इंडिया कौन रही है तो ये रही है नंदिनी गुप्ता और मिसेज इंडिया दो का जो खिताब है ये जीता है ज्योति अरोड़ा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया तो टाइम मैगजीन के द्वारा ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें ओडिशा का मयूरभंज और लद्दाख दोनों को ही शामिल किया गया है ऑप्शन तो नंबर सी जो है उपर्युक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता फीफा वर्ल्ड कप इसका जो खिताब है ये जीता है अर्जेंटीना देश ने बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो अर्जेंटीना है इसने फ्रांस देश को हरा कर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया इसका आयोजन कहाँ पर हुआ तो कतर देश में इसका आयोजन हुआ था बीस नवम्बर से अठारह दिसंबर दो तक संस्करण कौन सा है तो बाईसवा विजेता टीम रही है अर्जेंटीना की और उप विजेता जो है ये फ्रांस देश रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां हाल ही में भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान ये जो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हाल ही में भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हाइप के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी विश्व कप दो का खिताब जीता है

की टीम रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया तो दोस्तों ये जो कारनामा है ये किया है नासा ने बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना 29 जुलाई उन्नीस को हुई थी मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है और इसका जो मोटो है ये भी आपको याद रखना है फॉर बेनिफिट ऑल और इसके अध्यक्ष कौन है तो विल नैन्सल जो है ये इसके चौदहवें नंबर के अध्यक्ष रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स पांचवे ये है इनका संस्करण कौन सा है पांचवा है और इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं तो महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2022 के ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनका जो आयोजन है कब किया गया 2023 में संस्करण कौन सा है पांचवा है आयोजन कहाँ पर हुआ तो मध्य प्रदेश राज्य में तीस जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनकी शुरुआत कब की गई थी तो वर्ष 2018 से इनकी शुरुआत की गई प्रथम स्थान जो है 2023 में ये महाराष्ट्र ने जीता है दूसरा स्थान हरियाणा का है और तीसरा स्थान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का रहा है जो महाराष्ट्र है इसने कुल एक सौ इकसठ पदक जीते हैं जिनमें छप्पन गोल्ड हैं पचपन सिल्वर हैं और पचास ब्रॉन्ज मेडल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इनको 2023 में वितरित किया गया और हिंदी भाषा के लिए ये जो पुरस्कार है ये बद्री नारायण के लिए दिया गया है जो बद्री नारायण है इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द इसीलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया तो अनुराधा रॉय के लिए इनके उपन्यास ऑल दी लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए संस्कृत भाषा में जनार्दन प्रसाद के लिए दिया गया है और उर्दू भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अनिश अशफाक के लिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये जो इंडेक्स है ये वर्ष में चार बार जारी किया जाता है और इसके पहले फेज में जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है ये रहा है जापान देश का पहला जो फेज है इसकी हम बात कर रहे हैं जिसको Q1 कहा जाता है और इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग कौन सी है तो भारत जो है ये पचासीवें स्थान पर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सात अप्रैल को सात अप्रैल उन्नीस को दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस की स्थापना की गई थी इसीलिए प्रत्येक वर्ष सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर में जो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है यहाँ पर भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय को स्थापित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस पड़ोसी देश ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है तो भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है यहाँ पर विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया पेटा इंडिया इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब है ये दिया है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बात करते हैं 2021 के लिए ये जो खिताब है किसे दिया गया था तो ये दिया गया था अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए पेटा ये क्या है दोस्तों तो पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला अमेरिकी एक संगठन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इसका फुल फॉर्म होता है इस संस्था की जो स्थापना है ये वर्ष 1980 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर है यूएसए में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है पृथ्वी का जो पड़ोसी देश है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह इस पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है सी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिसंबर 2022 में ओरुनो दो टू योजना लॉन्च की है ये जो योजना है किस उद्देश्य से लॉन्च की गई तो आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार है इनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा डी ऑप्शन जो है असम ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य भी आपको याद रखना है और इसे कब लॉन्च किया गया तो दिसंबर दो में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 जीता है याद रखिएगा पहला महिला अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ये किसने जीता है तो अपने देश भारत ने जीता है किसको हराकर जीता है तो दोस्तों जो इंग्लैंड है इसको सात विकेट से हराकर पहला महिला अंडर नाइन्टीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अपने देश ने जीत लिया है इसकी बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो इसका जो संस्करण है ये पहला रहा है आयोजन कहाँ पर हुआ साउथ अफ्रीका में कब से कब तक आयोजित किया गया तो 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया और 29 जनवरी को फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हरा ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दमन और द्वीप एवं दादर और नागर हवेली डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है दोस्तों ये जो खिताब है ये जीता है जर्मनी ने ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी डिटेल को हम डिस्कस कर लेंगे पुरुष हॉकी विश्व कप दो जो है इसके फाइनल मुकाबला जो है ये कहाँ पर हुआ था तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ और यहाँ पर जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हरा कर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया विजेता टीम कौन सी रही है जर्मनी की और विजेता टीम जो है ये बेल्जियम देश की रही है तीसरा स्थान जो है ये नीदरलैंड ने प्राप्त किया आयोजन कहाँ पर हुआ था तो ओडिशा में इसका आयोजन हुआ और संस्करण कौन सा है दो में तो ये इसका पंद्रहवा संस्करण रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली राइट right आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे डी ऑप्शन जो है राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ पर शुरू हुआ है पहला कंप्यूटर आधारित जो टेलीकॉम नेटवर्क है ये शुरू हुआ है दिल्ली में बी ऑप्शन यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी पुरुष टी ट्वेंटी विश्व कप दो हजार बाईस का खिताब किसने जीता है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड जो इंग्लैंड है इसने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर कर पुरुष टी ट्वेंटी विश्व कप दो हजार बाईस का खिताब अपने नाम किया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूप इंग्लिश में इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा गया इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया है राजस्थान राज्य में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है इसके राजसमंद जिले के नाथद्वार में इसको स्थापित किया गया है इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 21वा संस्करण आयोजित हुआ तो वरुण अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस देश के बीच में आयोजित किया जाता है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2023 में इसका कौन सा है? तो संस्करण है तो 21वां संस्करण है चलिए इससे जुड़ी हुई डिटेल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है जिसके 21वें संस्करण का आयोजन 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक किया गया कहाँ पर पश्चिमी समुद्री तट पर और ये जो अभ्यास है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है और कब से इसको शुरू किया गया है तो उन्नीस से ये शुरू हुआ है और 2023 में इसका कौन सा संस्करण है तो 21वां संस्करण है अब हम बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच अन्य सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं तो शक्ति युद्ध अभ्यास जो है ये दोनों देशों देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है और गरुण युद्ध अभ्यास जो है ये दोनों देशों की वायु सेना के बीच में होता है और नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास होता है तो ये होता है वरुण चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं तो भारत ने इस चैम्पियनशिप में दो मेडल जीते हैं और दोनों मेडल जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं इसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे तो पहला मेडल जो है ये बजरंग पूनिया ने जीता है पैंसठ किलोग्राम भार बर्ग में और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता है विनेश फोगाट ने वुमन्स की जो त्रेपन किलोग्राम भार बर्ग की जो प्रतियोगिता रही है उसमें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ तो सर्विया के बेलग्रेड बेल में इसका आयोजन हुआ दस से लेकर अट्ठारह सितंबर तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए नीति आयोग इसके नए सीईओ जो हैं ये बने हैं वी बी आर सुब्रमण्यम सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय ये तीन मूर्ति भवन को परिवर्तित कर कर बनाया गया है तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये बन गए हैं नीरज निगम बी ऑप्शन जो है ये राइट right आंसर हो जाएगा ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं तो ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास इनका स्थान लेने वाले हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है तो फीफा का अगला जो कार्यकाल है 2023 से 2027 तक का इसके लिए फिर से चुना गया है जियानी इन फैंटिनों के लिए डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बात हुई है फीफा की तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के जीवरेक में है नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो है इसमें अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है तो डी ऑप्शन जो है ये राइट right आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की बात हुई है अब यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है इसकी स्थापना आपको याद रखनी है चौदह अक्टूबर 1945 को हुई थी और चौदह अक्टूबर को ही हर साल हम यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाते हैं इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है वर्तमान में महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी सी ऑप्शन जो अनिल कुमार ला लाहौटी है इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन मिशन जो है इसको शुरू किया है अभी हाल ही में तमिलनाडु ने और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया तो जो केरल का कोल्लम जिला है इसको हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कोल्लम जिला है इसकी जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संयुक्त रूप से अभी हाल ही में अप्रैल में सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन को चलाया गया था जिसका उद्देश्य जिले में सात लाख से अधिक परिवारों को संविधान साक्षरता प्रदान करना था और इसी कैंपेन के माध्यम से जो केरल का कोल्लम है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बनने की उपलब्धि जो है ये इसने हासिल कर लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए देश की पहली इंट्रा नोजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है तो देश की पहली इंट्रा नोजल कोविड वैक्सीन इसका नाम है इनकोवैक डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये जो वैक्सीन है इसे भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सी के रूप में किसने कार्यभार संभाला तो नए लेखा महानियंत्रक ये बन गए हैं एस एस दुबे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये कौन से नंबर के सीजीए बने हैं तो नंबर के सी बने इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने 27वें नंबर की जो लेखा महानियंत्रक थी भारती दास इनका स्थान लिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया वर्ल्ड बैंक इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और अजय बंगा जो है ये जून 2023 में इस पद का जो कार्यभार है ये संभालेंगे चलिए बात हुई है वर्ल्ड बैंक की तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देने का काम करता है इसकी जो स्थापना है उन्नीस में हुई थी मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वॉशिंगटन डी में है नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया है तो भारतीय मूल के जो नील मोहन है इनको यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेखा यादव जो सुरेखा यादव है यही दोस्तों उन्नीस में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका मिश्रा ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं और ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं जिन्होंने वीरता पुरस्कार को प्राप्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया थल सेना के नए उप प्रमुख ये बने हैं एम बी सुचेंद्र कुमार डी ऑप्शन यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया है ट्रिपल आर मूवी के लिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बात हुई है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल की तो ये जो अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये ट्रिपल आर मूवी के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये रणवीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए आलिया भट्ट के लिए दिया गया है ये जितने भी अवार्ड है ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चन यहां से जनरेट किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2023 में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया है सी ऑप्शन यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा बात हुई है जी ट्वेंटी की तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी जी ट्वेंटी जो है ये 19 देशों और यूरोपीय यूनियन जो है इसका संघ है इसकी जो स्थापना है ये 26 सितंबर 1999 को हुई थी भारत जो है यह जी ट्वेंटी का हिस्सा है और जी ट्वेंटी का पहला सम्मेलन जो है दोस्तों, ये अमेरिका में वर्ष 2008 में किया गया था। अभी जो है ये अपने देश भारत में किया गया। इससे पहले सत्रवा सम्मेलन जो है यह इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था और सोलवा सम्मेलन जो है यह इटली देश में 2021 में आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है ये कहां पर स्थित है मुगल गार्डन इसका नाम परिवर्तित कर कर अमृत गार्डन कर दिया गया और ये जो गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है तो ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है यहाँ पर डी ऑप्शन दिल्ली जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमने लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन को डिस्कस किया है इसी प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है इसके लिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है ये जो क्वेश्चन है सर ने जो वीडियो बनाया था इससे प्रीवियस उससे लिया गया है दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्ले को ज़रूर विजिट करें और आप सभी के लिए अभी स्क्रीन पर तीन मोस्ट यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे इन वीडियो को भी देख लें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद